इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र स्थित मालवीय नगर के नजदीक अपने बड़े भाई के घर जा रहे छात्र को दो बदमाशों ने रोक कर मारपीट कर मोबाइल लूटने की कोशिश की। तभी वहां से गुजर रहे पुलिसकर्मियों ने युवक को बचाकर दोनों बदमाशों को मौके से धर दबोचा। इंदौर में मोबाइल लूटपाट की घटनाओं का अंकुश लगाने को लेकर पुलिस द्वारा गश्ती कर रहे विजयनगर के दो पुलिसकर्मियों की मुस्तैदी के चलते युवक के साथ मारपीट व मोबाइल लूटपाट करने वाले दो बदमाशों को मौके से पकड़ा गया। दोनों ही बदमाश आशीष नामक छात्र से मोबाइल और पैसे की मांग कर रहे थे। आशीष द्वारा नहीं दिए जाने पर उसके साथ काफी मारपीट भी की गई। दोनों ही बदमाशों को पकड़कर पुलिस थाने ले गई है। वहीं दोनों ही बदमाशों से शहर में हुए मामलों में पूछताछ की जा रही है। भैया मैं अपने बड़े भैया के यहाँ जा रहा था तो रास्ते में दो युवक मेरे पीछे से आए और अपशब्द कर रहे थे, तो मैंने उन्हें बोला कि क्या है भैया गाली क्यों दे रहे हो आप लोग मुझे। तो उन्होंने पहले तो मुझे रोका, रोकने के बाद फिर मैंने फ़ोन लगाया, मैंने कि भैया को फ़ोन लगाओ ये लोग मेरे पे चढ़ रहे हैं। हावी हो रहे थे तो मैंने फ़ोन लगाया, फ़ोन लगाते हुए उन्होंने पहले तो मेरा फ़ोन छीन लिया, फिर मेरे को पटका और बहुत मारने लगे, फ़ोन छीन लिया। फिर उसके बाद मेरे हाथ में फ़ोन आया, मैंने रिटर्न फ़ोन लिया, फिर पैसे मांगने लगे, फिर मुझे पैसे दे 1000 रुपये दे, बंदा यहाँ से लेकर जाने लगे। उसके बाद फिर मैंने भैया को फ़ोन लगाया, फिर तो इतने देर में पुलिस आ गई, फिर उनको ले गई, बस इतना ही हुआ। वो जो दोनों हैं वो पकड़ा गए? हाँ पकड़ा गए, पुलिस उनको लेके गई।